हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIIB 18 एग्ज़ाम के लिए कि आप लोग क्या है अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था उसके बाद आप लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो गाइज़, आप लोगों को जो है अगर नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फ्रेशर्स भी हैं जिनको नहीं पता है। तो गाइज़ देखिए, अगर आप लोगों की एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होता है जिसमें आप लोगों की सारी डिटेल्स होती है, नेम एंड आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ उसमें मेंशन होता है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाटएवर इट इज़, जो भी होता है, तो उसके अंदर जो है आप लोग बाद में सबमिट होने के बाद आप अपना एग्ज़ाम सेंटर अब चेंज नहीं कर सकते हो। बिकॉज अब जो है आप लोगों की सारी के सारी डेट्स जो उन्होंने सेटअप की हुई थी करेक्शन वगैरह की, एंड जो आप लोगों की ये एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह की उनकी जो डेट थी वो एंड हो चुकी है। अब आप लोगों के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बची है ना, आप लोग जो है एग्ज़ाम सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हो। जो भी आप लोगों ने वहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर फिल किया है उसी एग्ज़ाम सेंटर पर आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कोई भी अलग से आप लोगों को इस तरीके का चांस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी एग्ज़ाम सेंटर अब एडिट करके कर दोगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आप लोगों के एडमिट कार्ड में अब लिख करके आएगा वही आप लोगों को फॉलो करना होगा, ठीक है। बिकॉज बहुत बार इन्होंने चांस दे दिया है, डेट्स भी चेंज हो गई हैं रजिस्ट्रेशन की भी एंड करेक्शन की भी, तो इससे जो है अब आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने अपना सारा जो भी चीज़ें थी वो अच्छे तरीके से कर लिया होगा, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को स्टिल प्रॉब्लम है तो आप लोग उनको जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है ऑनलाइन, जैसा कि आप चेक करोगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर, तो आप लोग उनसे पर्सनली कॉल कर सकते हो। वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया। और गाइज़, होप सो आप लोगों ने जो है अपना जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया होगा, फुल पेमेंट वगैरह आप लोगों ने कर दी होगी। बिकॉज देयर इज़ नो चांस, किसी को कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। सारी चीज़ों की जो डेट थी वो एंड हो चुकी है, बट अभी जो है 1 to 5 के बीच में आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट बची है। इसमें आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज होगा, उसका भी प्रोसीजर जो है हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बता देंगे। और कोई भी एग्ज़ाम सेंटर इसमें चेंज नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों को स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर हमारा एक चैनल है लॉन टिप्स के नाम से, वहाँ पर भी आप लोग अपनी क्वेरीज़ को शेयर कर सकते हो। तो गाइज, होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।